दोस्तों, दुनिया काफी खूबसूरत है और इसके अंदर रहने वाले लोग भी, पर कुछ लोगों के पास ऐसे स्किल्स होते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं ऐसे स्किल्ड वर्कर को जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक पर है फास्टेस्ट मीट कटर। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मांस काटना बच्चों का खेल नहीं है। यहां पर काफी धार वाले औजारों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसी वजह से काफी सारे लोगों के हाथ कट जाते हैं। पर इन जनाब को देखिए किस तरह रोटेटिंग ब्लेड पर सुअर का मांस काट रहे हैं। सोचिए यदि ये सुअर की इतनी मोटी चमड़ी और मांस को इतने आसानी से काट सकता है, तो यदि किसी का इसमें हाथ चला जाए तो क्या हाल होगा। मेरे हिसाब से तो सीधा दो टुकड़े हो जाएंगे, पर ये जनाब इस काम को ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि सालों की मेहनत है। पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत के भी ये जनाब भी किसी से कम नहीं है। ये तो मांस के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं जहां पर इनका हाथ कटर से सिर्फ कुछ इंच ही दूर है। अगले नंबर पर है फायर हेयर कटिंग। दोस्तों, आप पूछोगे कि हेयर कटिंग में ऐसी क्या खास बात हो सकती है, पर ये कोई आम कटिंग नहीं, ये फायर कटिंग है। यहाँ पर आपके बाल कैची और कंघी के साथ आग से भी काटे जाते हैं। सबसे पहले एक हेयर कटर सिर पर एक लिक्विड डालता है जिससे बालों पर आग लग पाए। फिर वो लाइटर के जरिए बालों पर आग लगाता है और तेजी से कैची से आग को सारे बालों तक अच्छे से पहुंचाता है। जब लिक्विड खत्म हो जाता है तो फिर से इसे डाला जाता है और आग लगाई जाती है। ये सारा काम इतने तेजी से करना पड़ता है क्योंकि यदि ऐसा न किया जाए तो कस्टमर के बाल जल भी सकते हैं। दोस्तों, कई बार आपने सोचा होगा कि आखिर रोड के फुटपाथ पर लगने वाली टाइल्स कैसे बनती होगी। आप में से ज्यादा जनों को लगा होगा कि वो फैक्ट्री में बनती है, पर असल में उन्हें ऐसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक साचा काफी सटीकता से जमीन पर रखा जाता है, जिसके बाद में उस पर थोड़ा सीमेंट का पानी डाला जाता है और बाद में गाढ़े सीमेंट को उसके ऊपर डालकर पूरे साचे को प्लेन किया जाता है। जब सारे ब्लॉक भर जाते हैं तब काफी आराम से साचे को निकाल दिया जाता है और फिर उन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है। अगले नंबर पर है एक ऐसे जनाब जिन्होंने सिर्फ सीमेंट और ईंटों से ही ऐसी सुंदर दीवार बना डाली जिससे भाई मेरे तो आंखें खुली की खुली रह गई। पहले तो इन्होंने बेस पर सीमेंट की ईंटें लगा ली और फिर ऊपर इन्होंने ईंटों को काट कर कुछ इस तरह रख दिया जिससे एक काफी बढ़िया डिजाइन ही बन गया। सच में इनके कारीगरी को मेरा सलाम। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो दीवार पर सीमेंट की डिजाइन लगी होती है वो कैसे बनती है? आपको लगेगा कि उन्हें तो फैक्ट्री के अंदर साचे में डालकर बनाया जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। इस टैलेंटेड कलाकार को देखिए किस तरह सिर्फ कील, धागा और कुछ औजारों के मदद से इसने कितना अच्छा डिजाइन बना दिया। पहले तो ये आउटर लाइन बना लेता है और फिर अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उन्हें अच्छा टेक्सचर दे देता है। सच में इसकी इस बनावट को देखकर ऐसे लगता है जैसे उसमें सालों की मेहनत है। दोस्तों, आपको गमले और मटके कैसे बनते हैं वो तो पता होगा, पर क्या आपको पता है कि आखिर 500 किलो के मिट्टी का गमला कितना बड़ा होगा और उसे कैसे बनाया जाता होगा? इतने सारे मिट्टी को सिर्फ चक्के पर रखने के लिए ही 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। पहले तो ये लोग उसे दबा दबा कर गमले का बेस बना देते हैं,
फिर ऊपर से और मिट्टी डालकर एक मिट्टी का ढेर बनाते हैं। अब धीरे धीरे ये एक ही जगह पर प्रेशर लगाकर उसे आकार देना शुरू कर देते हैं। बाद में इसके बीच से होल गिराकर इसे गमले का रूप देना शुरू किया जाता है। 4 से 5 घंटों के बाद आखिर में यह बड़े गमले में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने पहले कभी इतना बड़ा गमला देखा था? अभी जनाब की खटिया बनाने की स्पीड के बारे में क्या ही कहना। जितने देर में इन्होंने पूरा खटिया बनाया, उतना समय तो मुझे ये सोचने में निकल जाता कि आखिर शुरू कहां से करना है और कहां से खत्म करना है। दोस्तों, आपको तो पता ही रहेगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सभी लोगों को ऑटोग्राफ नहीं दे सकते, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें ऑटोग्राफ देने में पूरा दिन निकल जाएगा। पर सुमो ऑटोग्राफ की जगह सीधा अपने हाथ का स्टैंप ही दे देते हैं, जो मेरे हिसाब से सच में काफी कूल और अच्छा आइडिया है, और इनकी स्टैंपिंग करने की स्पीड भी काफी लाजवाब है। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को सेब की ऊपरी परत पसंद नहीं होगी और उसे निकाल कर खाने में काफी समय लगेगा, इसलिए आप उसे वैसे ही खा लेते होंगे। पर इस जनाब को देखिए, कितनी आसानी से ये सेब को साफ कर रहे हैं। काश मेरे पास भी ऐसे ही स्किल्स होते ताकि मैं भी सेब को इसी तरह साफ करके खा पाता। चलो, सेब तो छोटा है, पर जरा इन जनाब की खरबूज को काटने के स्किल्स को तो देखो। ये उसके चमड़े की सिर्फ उतनी ही बारीक परत निकाल रहे हैं जिससे सिर्फ चमड़ी ही निकले, उसके अंदर का फल वेस्ट न जाए। गाइस, अब इन जनाब के इस खास आटे के डिश को बनाने का स्टाइल देखिए। ये अकेले ही इतने बड़े पूरे आटे को मल रहे हैं। पूरा अच्छे से मलने के बाद ये चाकू से उसे छोटे छोटे पार्ट्स में काटते हैं और फिर उनकी एक खास डिजाइन बनाकर रखते हैं। सच में इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब जो ये अगली चीज ये जनाब बना रहे हैं, ये क्या है ये तो मुझे भी पता नहीं, पर इसे देखकर मेरे मुंह में पानी तो जरूर आ रहा है। क्या आपको इसे देखकर खाने का मन कर रहा है? भाई, मेरा तो बहुत कर रहा है। अब इन अगले शेफ्स को देखिए, कैसे सिर्फ एक छोटे से आटे के गोले से एक एक बड़ा गोल आकार वाला पूरी बना रहे हैं। मैं अभी भी इसी सोच में अटका हूं कि आखिर ये आटे का गोला इतना बड़ा कैसे बन सकता है। क्या आपको पता है कि ये कौन सी डिश है? यदि हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब खाने की बात हो ही रही है तो आइए आपको एक अजीब डिश दिखा देते हैं। पहले तो इस कलरफुल आटे को तवे पर रखकर सेका जाता है, फिर गरम किए हुए शिमला मिर्च से अंडे को इस आटे के अंदर भर दिया जाता है। यह अगली डिश काफी मजेदार है। एक आटे को बेलकर उसे अलग अलग आकार में काटा गया है। अब इन कटे हुए हिस्सों में अंडे के पीले हिस्सों को डाला जाता है। बीच के 2 होल उसके नाक की तरह दिखते हैं और ऊपर की आंखें और नीचे का मुंह सच में क्रिएटिविटी को अलग ही मजेदार दिशा में ले जाता है। इन जनाब को देखिए, किस तरह एक गरम कढ़ाई पर अंडे को डालकर एक पतली परत बना रहे हैं। सच में ये देखने में ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इस अगले डिश से आपके मुंह में पानी जरूर आ जाएगा। पहले तो तवे पर एक कलरफुल आटे को डालकर उसे पतला किया जाता है, फिर उस पर अंडा डालकर उसे अच्छे से स्प्रेड किया जाता है। अब उसके ऊपर अलग अलग सब्जियां डालकर उसे काट दिया जाता है। आपने पिछले बार तो इस आटे में शिमला मिर्च के जरिए अंडों को डालते हुए देखा था, इसमें तो एक तरबूज से 8 से 10 अंडों को इस आटे में भरा जा रहा है। गाइस, क्या आपको पता है कि आप सिर्फ सब्जियों से ही अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं? देखिए किस तरह इस शेफ ने सिर्फ एक कद्दू से लालटेन बना दिया, वो भी सिर्फ छुरी की मदद से, और लौकी को जो डिजाइन दिया है उसके बारे में तो क्या ही कहना। सो गाइस, मेरे मुंह में तो ये सब चीजें देखकर पानी आ रहा है, तो मैं जा रहा हूँ स्वादिष्ट खाना खाने। यदि आपके भी मुंह में पानी आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक लजीज वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।